हेलो गाइस, मेरा नाम तुषार है। आप देख रहे हो वॉक्स टेक। आज मैं आपको बताऊंगा फेक व्हाट्सएप अकाउंट फ्री में कैसे बना सकते हैं। तो इस ट्रिक से आप इंडियन नंबर से भी फेक व्हाट्सएप अकाउंट बना सकते हैं। वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप पिंग मी ऐप को डाउनलोड कर लें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फिर इसके बाद इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह कुछ स्क्रीन खुल जाएगी। तो आप इसमें कोई से भी ऐप का वेरिफिकेशन के लिए नंबर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने WhatsApp सेलेक्ट कर दिया, और जैसे कि आपको WhatsApp के लिए इंडियन नंबर चाहिए तो आप यहाँ से वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको वन टाइम क्रेडिट देने पड़ेंगे, और वो क्रेडिट आप यहाँ से रेफ़र कर करके ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर से कोई भी एक नंबर से इस पर अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने के लिए आप काफ़ी सारी वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रिसीव SMS वाली वेबसाइट को यूज़ कर रहा हूँ। इस तरीके आपको काफ़ी सारी सर्च करने वाली वेबसाइट मिल जाएंगी। आप उनमें से कोई भी इंडियन नंबर को इस तरह कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसके बाद इस नंबर को यहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ पे वैलिडेट करके OTP के लिए अप्लाई कर दें। अगर आपका इस तरह का मैक्सिमम एरर आता है तो यहाँ पे इस रेड ऐप को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, और फिर इसे ओपन करके एक वर्क प्रोफाइल को क्रिएट कर लें। वर्क प्रोफाइल को क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आपका मेनलैंड और आइसलैंड इस तरह आ जाएगा। इसके बाद आपको मिनिमाइज करके वर्क फोल्डर के अंदर जाना है, और यहाँ पे प्ले स्टोर खोल के कोई भी जीमेल आईडी को साइन इन कर देना है। ईमेल आईडी साइन इन करने के बाद वर्क प्रोफाइल के प्ले स्टोर से ही पिंग मी ऐप को डाउनलोड कर दें। और फिर आप इसमें उस नंबर से साइन इन कर सकते हैं जिसमें आपका मैक्सिमम अटेम्प्ट आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका OTP सेंड हो चुका है, और अब आपको यहाँ पे OTP के लिए वेट करना है। अगर आपका थोड़ी देर बाद OTP नहीं आता है इससे रिफ्रेश करने के बाद, तो आप कोई भी इसमें दूसरा नंबर ट्राई कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा सा मुझे दूसरा नंबर मिला है। यहाँ पे फिर बैक करके इस तरह यहाँ पे दोबारा अप्लाई कर दें। फिर यहाँ पे सेम वैलिडेट बाय SMS करके क्लिक कर दें। फिर यहाँ पे आपका OTP आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा OTP आ चुका है, और हम यहाँ पे टाइप करके साइन इन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको ऑलरेडी रेफरल वाला अकाउंट भी मिल सकता है, और न्यू अकाउंट भी मिल सकता है। अब आपको रेफर करने के लिए यहाँ पे आपको शेयर करना होगा किसी के साथ जिसने अपने अकाउंट पे ऑलरेडी नंबर वेरीफाई कर रखा हो। तो उसके लिए हमें एक और क्लोन चाहिए ऐप का। आप यहाँ पे पैडल स्पेस वगैरह यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर बिल्ट इन डुअल ऐप से यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास शाओमी का फ़ोन है, इसलिए यहाँ पे मैं बिल्ट इन यूज़ कर रहा हूँ। नहीं तो आप डुअल ऐप्स वगैरह के काफ़ी सारे ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। पिंग मी का एक और क्लोन करने के बाद इसे ओपन करें, और जिस अकाउंट से आपको इसमें रेफर करना है उसमें आपको ईमेल से साइन करना है, नंबर से साइन इन नहीं करना है। इसमें हम फ़ोन नंबर की जगह ईमेल से यहाँ पे साइन इन करेंगे। ईमेल के लिए हम टेम्प मेल की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
यहाँ पर हमारा टेम्प्रेरी मेल जनरेट हो चुका है, और अगर आपको दूसरा चाहिए तो यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। फिर से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ पे सेम वैलिडेशन आएगा और फिर अपना ईमेल से इसे वेरीफाई कर दें। यहाँ पे हमारा कोड है 8740। और फिर आप इस वाले अकाउंट से इनवाइट करके एक रेफरल कोड को कॉपी कर लें। फिर आपको जिसमें कॉइन्स बढ़ाने हैं उसमें जाएं और यहाँ पे आपका आएगा रेफरल डालने के लिए। तो इस तरह अगर आपका यहाँ पे ऑलरेडी नंबर साइन इन पे रेफरल नहीं आता है तो आप दूसरे नंबर ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर ढूंढ लिया है जिसमें इनवाइट कोड का ऑप्शन आ रहा है। ये इनवाइट कोड का ऑप्शन एक अकाउंट पे एक ही बार आएगा, तो आपको कोई न्यू अकाउंट बनाना होगा। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। तो अगर आपका इस तरह ऑलरेडी डिवाइस का एरर आता है तो आप ऐप को अनइंस्टॉल करके एक बार इंस्टॉल कर लें। इसके बाद आप यहाँ पर कोड दोबारा डालें। अब यहाँ पर फिर जो कैप्चा बता रहा है उसे सॉल्व कर लें। अगर आपका ऐप फिर भी एक्सेप्ट नहीं होता है तो आप ईमेल वाले से दूसरा अकाउंट बनाएं, फिर दूसरा रेफरल कोड लेके आप इस तरह यहाँ पर रेफरल अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस अकाउंट से ही बार बार रेफरल कर करके इस तरह यहाँ पर बैलेंस बढ़ा सकते हैं अपना। आपको इस वाले में नंबर से साइन करना है और दूसरे वालों में ईमेल से साइन करना है। तो मैं आपको व्हाट्सएप में करके दिखाता हूँ। अगर आपको यहाँ पे इंडियन नंबर चाहिए तो यहाँ पे व्हाट्सएप करके इंडियन सेलेक्ट करते हैं, और अगर आपका यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखाता है तो आप अगले दिन ट्राई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं दूसरा सर्विस चेंज करके यहाँ पे मैं इंडियन नंबर ले पा रहा हूँ, और यहाँ पे आपका OTP आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपका दूसरा सर्विस सेलेक्ट करके OTP नहीं आता है तो आपसे कुछ टाइम बाद ट्राई कर सकते हैं, या फिर दूसरी कंट्री का कोई नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये वाला नंबर सेलेक्ट कर लिया है। और अब इसे आप व्हाट्सएप पर डाल दें और यहाँ पे थोड़ी देर बाद OTP आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर बाद OTP आ चुका है, और आप इसे व्हाट्सएप नंबर को साइन इन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नया व्हाट्सएप अकाउंट है, और एक बार OTP लेने के बाद आपका वो नंबर वहाँ से हट जाएगा। तो आप यहाँ पे 2-step वेरिफिकेशन लगा लें ताकि ये नंबर आपके पास ही रहे। तो इससे आप अनलिमिटेड फेक व्हाट्सएप नंबर रेफरल करके ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।